कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी को 150 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक तरफ 70 करोड़ लोग हैं और दूसरी ओर 22 से 25 पूंजीपति। उन्होंने कहा कि इन अरबपतियों का मोदी सरकार ने 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो जितना कर्ज पूंजीपतियों का माफ़ किया गया उतना कर्ज किसानों का माफ़ किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए शासनकाल में किसानों की कर्ज माफ़ी हुई थी, लेकिन बीजेपी सरकार में पूंजीपतियों का जितना कर्ज माफ़ किया गया उतनी राशि से कई बार किसानों का कर्ज माफ़ हो सकता है। इंडिया अलायंस की रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से अग्निवीर योजना लागू की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र में अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनने के बाद अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा देश को तरीके से शहीद नहीं चाहिए, सबको पेंशन और सुविधा मिलनी चाहिए, दो अलग अलग तरह के जवान नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने ये भी भरोसा दिलाया कि इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही 5 अलग अलग तरीके के GST को ख़त्म कर एक टैक्स की व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कम से कम टैक्स देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा मनरेगा, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ ही न्यूनतम मजदूरी की दर में भी बढ़ोतरी की जाएगी। बातें और वादे तो सब करते हैं, देखते हैं इस वादे में कितना दम रहता है। क्या कांग्रेस भाजपा को 150 पर इस बार रोक देगी या खुद 150 पर अटक जाएगी।